Alexa, turn on switch. Okay. हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है 3-चैनल वाईफाई स्विच। इसकी हेल्प से आप अपने घर में रहे फैन, टीवी, लाइट, फ्रिज, उन सभी चीज़ों को रिमोटली ऑपरेट करवा सकते हो, एकदम स्मार्ट बना सकते हो। अभी आपको स्विच यहाँ पे टर्न ऑन और टर्न ऑफ करनी पड़ती है कोई भी लोड को ऑपरेट करवाने के लिए, बट इसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन से या फिर एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से ये सब कुछ चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हो, एकदम टर्न ऑन और टर्न ऑफ करवा सकते हो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ ये प्रोडक्ट की कैसी है ये प्रोडक्ट, और इसका मैं आपको घर में इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सब कुछ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं आई प्रोटेक अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो आपको यहाँ पे एक प्लेन बॉक्स मिलता है जिसमें आपको यहाँ पे 3-चैनल वाईफाई स्विच वैसा कुछ लिखा है, और यहाँ पे बैक साइड में आपको iOS एंड Android के लिए 2 QR कोड मिलते हैं। तो इसकी एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप ये जो लोड है वो ऑपरेट करवा सकते हो। तो बॉक्स को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे अपनी स्विच मिल जाती है। स्विच को रखते हैं हम साइड में, यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप किस तरीके से इस स्विच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अपने कर सकते हो, और यहाँ पे बैक साइड में आपको एप्लीकेशन की डिटेल दी गई है कि किस तरीके से अपने ऐप को सेटअप करना है। बात करें स्विच की तो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर की स्विच मिलती है, और यहाँ पे आपको फिर से 2 QR कोड मिलते हैं। तो अगर आप बॉक्स में से नहीं करना चाहते हो डाउनलोड एप्लीकेशन को, आप यहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो फोन में से स्कैन करके। बात करें इलेक्ट्रिकल टर्मिनल की तो आपको यहां पे 5 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल मिलते हैं जिसमें आपने जो इलेक्ट्रिकल लोड है ना उन सभी के वायर्स यहां पे आपको जोड़ने रहेंगे। उसकी बात करता हूं बाद में कि किस तरीके से आपको जोड़ने हैं, कहां से कौन सा वायर जोड़ना है वो सब कुछ बताता हूं मैं बाद में। पहले आप जस्ट यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कि इससे मैक्सिमम आप 10 एम्पीयर तक का जो करंट है ना वो ऑपरेट करवा सकते हो। तो मतलब कि इसमें आपको एसी एंड अपना जो हीटर है और वाटर पंप है वो तीन ही चीज़ ऐसी है जो कि आप इस स्विच से नहीं ऑपरेट करवा सकते हो। इसकी जो करंट कैपेसिटी ना थोड़ी बहुत कम है, 10 एम्पियर ही है टोटल 10 एम्पियर। तो अपने फैन, लाइट, टीवी, फ्रिज वो सब कुछ आप इस स्विच की हेल्प से ऑपरेट करवा सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ कि इस स्विच को किस तरह से सेटअप करना है एप्लीकेशन में और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। अभी हम बात करें कनेक्शन की तो यहाँ पे आपको 3 लोड कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमने कनेक्शन कर दिए हैं सभी के सभी। तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर को आपको इन सभी लोड में से कॉमन निकाल लेना है, और यहाँ पे फेज वायर है ना मतलब कि ये लाल वायर उसे आपको इस स्विच में ज्वाइन करना है। यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा है ना, वहाँ पे आपको 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों वायर प्लग कर देने हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। और बाकी यहाँ पे बात करें मेन सप्लाई की तो यहाँ पे आपको जो लाइन वायर है ना, न्यूट्रल वायर है ना, वहाँ पे आपको ये जो अपने मेन वायर है ना वो यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपना सब कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे देखो ये जो वायर है दो अपने लाइन वायर है, मतलब कि ये जो वायर है वो आपने डायरेक्ट प्लग में जाएंगे, और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वायर है ना ब्लैक वाला वो आपको कॉमन निकालना है इसी मेन वायर में से, और यहाँ पे आपको सब इलेक्ट्रिकल लोड में वो कॉमन निकाल के ज्वाइन कर देना है। और बाकी ये जो बात रही रेड वायर की तो वो आपको एक 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 निकाल के यहाँ पे तीनों सर्किट में जोड़ना है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 में लगा देना है। तो चलिए जल्दी से इसमें लैंप प्लग इन करते हैं और अपनी जो लोड है ना वो कंट्रोल करते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से और एलेक्सा से। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है सी टाइम स्मार्ट, उसे आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे इस सभी लोड को हम अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपने एलेक्सा से कंट्रोल करवाएं, असिस्टेंट से, गूगल होम या फिर एलेक्सा से, तो उससे भी कर सकते हैं। अभी मैं इससे करता हूँ कंट्रोल, तो देखो हो गया। अभी मैं कंट्रोल करता हूँ मेरे एलेक्सा से। Alexa, turn on switch. Okay. Alexa, turn off 1. Okay. Alexa, turn off 2. Okay. Alexa, turn off 3. Okay.
ये स्विच की मुझे एक बात बहुत ही पसंद आई है, वो ये है कि अगर आपके पास घर में वाईफाई नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट कंट्रोल भी करवा सकते हो। मतलब कि ये जो स्विच है ना, वो डायरेक्ट अपने अंदर से एक वाईफाई क्रिएट करता है हॉटस्पॉट अपना, विदाउट इंटरनेट वाला। वो जस्ट आप इसके वाईफाई से अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो ना, तो इस स्विच को आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई है, ये जो फीचर्स है बहुत ही यूज़फुल है। कभी कभी अगर अपने घर में वाईफाई नहीं होता है तो हम इसे भी डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस स्विच का मुझे एक ही कॉन्स लगा है कि इसमें आपको जो बाईपास स्विच है ना, वो नहीं मिलती है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट ऑफलाइन ऑन ऑफ करवाना चाहते हो इस सब कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करके, तो वो आप नहीं कर सकते हो। बट इसका एक जुगाड़ भी है कि इसमें आप अगर टू वे स्विच डाल देते हो ना इसके कनेक्शन में, तो आप इसे बाईपास भी करवा सकते हो। मैंने भी एक बार ये किया है जो कि आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे। अगर आप ऐसे कुछ कनेक्शन करते हो तो आप इस स्विच को बाईपास भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है इसी स्विच के रिगार्डिंग या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के रिगार्डिंग, तो उन सब की जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं वहाँ पे आपके लिए रिप्लाई दे दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। और मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।